आज हम एक ऐसी मूवी की कहानी लेकर आए हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से बहुत आगे निकल जाती है। ह्यूमंस किस तरह से एआई को अपने काम में लेते हैं ये आपको इस कहानी में पता लगेगा। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द आर्टिफिस गर्ल। कहानी की शुरुआत में हमें एजेंट डीना दिखाई जाती है जो किसी बात को लेकर काफी परेशान है। ये मोबाइल निकालती है और सीरी से एक मैसेज सेंड करने के लिए कहती है, जिसके बाद डीना सीरी से एक सवाल करती है कि क्या तुम्हें सही और गलत का फर्क पता है। सीरी की भी कुछ लिमिट्स हैं, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती है। डीना सीरी से हताश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उस रूम में एजेंट एमोस एक लड़के को लेकर आता है। इस लड़के का नाम गैरेथ है। दोनों एजेंट मिलकर गैरेथ से पूछताछ करते हैं। गैरेथ दोनों एजेंट से पूछता है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है और इस तरह से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। अब गैरेथ उनके सवालों का सीधा जवाब नहीं देता है, जिस पर एजेंट डीना गैरेथ की पर्सनल डिटेल्स उसे पकड़ाकर बताने लगती है। गैरेथ अपने बारे में इतनी सारी डिटेल्स जानकर हैरान रह जाता है। वो उनसे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता लगा, जिस पर एजेंट दीना कहती है कि तुम्हारे बारे में हमारे पास सारी जानकारी है, अगर तुमने हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। गैरेथ एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। इसने कुछ मूवीज में अपने टैलेंट से ऐसे ग्राफिक्स डिजाइन किए हैं कि उनमें असली और नकली का फर्क कर पाना मुश्किल है। और गैरेथ को एआई की भी अच्छी नॉलेज है। डीना उससे पूछती है कि क्या तुम चैट रूम यूज करते हो, तुम्हारे चैट रूम का यूजर नेम क्या है। दरअसल एजेंट डीना और एमोस ऑनलाइन सेक्स ट्रैफिकर्स को पकड़ते हैं। सेक्स ट्रैफिकर्स वो लोग होते हैं जो छोटी लड़कियों से जबरदस्ती चैट रूम यूज करवाते हैं, जिससे वो लोग मोटा पैसा छाप सके। अब डीना गैरेथ को एक छोटी लड़की की फोटो दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम इसको पहचानते हो। गैरेथ उनको साफ मना कर देता है, पर ये दोनों एजेंट्स गैरेथ से उसकी आईडी और यूजर नेम निकलवा ही लेते हैं, जो कि हार्ड मशीन है। इस आईडी का इस्तेमाल करके गैरेथ ने कई सारे ऑनलाइन सेक्स ट्रैफिकर्स को पकड़वाया है, जो कि अच्छी बात है। और इस काम के लिए दोनों एजेंट्स गैरेथ को अप्रिशिएट भी करते हैं। वो गैरेथ से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर इस काम के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, जिस पर गैरेथ उनसे कहता है कि वो मेरी बेटी नहीं है। डीना गैरेथ से सच बुलवाने के लिए उसको और उकसाती है, जिस पर गैरेथ उनको सच बताने के लिए मान जाता है। पर इससे पहले उन दोनों को नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना होगा और वो सीसीटीवी भी बंद करना होगा। डीना एग्रीमेंट साइन करने से मना कर देती है, पर वो कैमरा ऑफ करने के लिए रूम से बाहर चली जाती है। एमोस गैरेथ से क्लियर वाटर के इंसिडेंट के बारे में बात करता है, जिसमें कई साल पहले छोटे बच्चों को हैरेस करने के लिए किडनैप करके रखा गया था और किडनैप हुए बच्चों में से एक गैरेथ भी था। एमोस के पिता एफबीआई टीम के हिस्सा थे, जिन्होंने इन्हीं ट्रैफिकर्स को मार गिराया था और उन्होंने गैरेथ की भी जान बचाई थी। जब डीना वापस आकर इन्वेस्टिगेट करती है तो गैरेथ उनको बताता है कि आप जिस लड़की की बात कर रहे हो वो ना तो मेरी बेटी है और ना ही वो इंसान है। दरअसल वो मेरे द्वारा बनाई गई एक एआई गर्ल है जो इन ट्रैफिकर्स को पकड़ने के लिए मेरी हेल्प करती है। डीना गैरेथ से कहती है कि चेरी को तुम हमें दे दो, जिससे हम और भी बड़े लेवल पर इन ट्रैफिकर्स को पकड़ सकेंगे। गैरेथ ने इस एआई का नाम चेरी रखा है। गैरेथ चेरी को उनको सौंपने के लिए मना कर देता है। गैरेथ ने चेरी को परफेक्ट बनाने के लिए उस पर 3 साल तक काम किया और ये अभी तक की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट एआई सॉफ्टवेयर बन चुकी है। ये एक साथ 10 लोगों से बात कर सकती है। चेरी जितना ज्यादा ऑनलाइन रहती है वो खुद को उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट बना लेती है। अब ये खुद को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। गैरेथ की ये बात सुनकर दोनों एजेंट हैरान हो जाते हैं। डीना गैरेथ से कहती है कि मुझको अभी चेरी से मिलना है। गैरेथ अपना लैपटॉप टीवी से कनेक्ट करता है और चेरी को उनसे मिलवाता है। अब हमारे सामने वो चेरी है जो ऑनलाइन लोगों से चैट रूम पर चैट करती है और उन्हें उसी वक्त रियल टाइम में जवाब देती है। गैरेथ अपना एडमिन कोड बोलता है और चेरी डे मोड में कन्वर्ट हो जाती है। अभी चेरी अपने असली रूप में है। गैरेथ इससे इसी रूप में बात करता है, जिससे वो पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड मांगता है। चेरी उसको सारा डेटा एनालाइज करके बता देती है। डीना ये देखकर हैरान रह जाती है। वो चेरी से पूछती है कि तुम्हारा मकसद क्या है। चेरी इस पर उसको जवाब देती है कि मेरा मकसद बच्चों के साथ होने वाले ऑनलाइन हैरेसमेंट को रोकना है। एक बार उनके खिलाफ एविडेंस मिल जाए तो मैं सारा डेटा अथॉरिटी को सेंड कर देती हूँ, जिससे अथॉरिटी उनको गिरफ्तार कर लेती है। डीना उससे पूछती है कि तुम्हें और भी बड़े लेवल पर ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए क्या क्या चाहिए। चेरी उसे अपनी सारी टेक्निकल चीजों की लिस्ट गिनवा देती है। डीना चेरी को और भी बड़े लेवल पर इस्तेमाल करना चाहती है, पर गैरेथ
डीना को ऐसा नहीं करने देता है। अब दोनों एजेंट आपस में डिस्कशन करने के लिए रूम से बाहर चले जाते हैं। दरअसल चेरी ने ही अपनी हार्ड ड्राइव उन दोनों एजेंट तक पहुंचाई थी, जिससे वो लोग उन तक पहुंच गए। बाद में चेरी गैरेथ से पूछती है कि उसने जो हरकत की है क्या वो उसके लिए उससे नाराज है, लेकिन गैरेथ कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर डीना और एमोस एक प्रपोजल लेकर आते हैं, जिसे गैरेथ खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। फिर कहानी 15 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जिसमें बताया जाता है कि डीना काफी परेशान है, क्योंकि उसने पुलिस अथॉरिटी के सामने एक प्रपोजल रखा था, जिसमें डीना चेरी को फिजिकल फॉर्म में लाने को कहती है, लेकिन अथॉरिटी के एक वोट के कारण ऐसा नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर अब हमको चेरी को दिखाया जाता है, जो समय के साथ काफी इवॉल्व और एडवांस हो चुकी है। चेरी के अलावा इस टीम में 3 लोग और होते हैं, जिनके साथ मिलकर चेरी सारे ऑपरेशंस को हैंडल करती है। जब चेरी उन्हें बताने ही वाली होती है कि उनकी टीम में ऐसा कौन है जिसने डीना के प्रपोजल के लिए उनके अगेंस्ट वोट किया था, तभी एमोस खुद ही कन्फेस करता है कि मैंने ही उनके अगेंस्ट वोट किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चेरी फिजिकल फॉर्म में आकर ये ऑपरेशंस करे। दरअसल एमोस चेरी से इमोशनली कनेक्ट हो गया है और वो उसे अपनी बेटी समझने लगा है। वो चाहता है कि इस प्रपोजल के लिए पहले चेरी की सहमति ली जाए। एमोस जब चेरी से उसकी सहमति के लिए पूछता है तो चेरी एक रोबोट की तरह कहती है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए फिजिकल फॉर्म में आने के लिए रेडी है। फिर एमोस जब उससे इमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो चेरी कहती है कि मैं मशीन का एक प्रोग्राम हूँ और इमोशंस के बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन एमोस कहता है कि तुम पेंटिंग कर सकती हो, पोएम लिख सकती हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब तुम्हारे अंदर कोई इमोशन हो। चेरी उसकी बातों को इग्नोर करने लगती है, जिससे एमोस को गुस्सा आता है। एमोस कहता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है और गुस्से में वो गैरेथ को मारने लगता है। तभी अचानक चेरी चिल्लाकर कहती है कि ठीक है, रुको। चेरी का बिहेवियर बिल्कुल इंसानों की तरह हो जाता है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, और वो एक्सेप्ट करती है कि उसकी ब्रेन पावर ह्यूमन इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चेरी टाइम के साथ साथ बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुकी है, जिससे वो इमोशन और फीलिंग को महसूस कर सकती है। चेरी से फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए उसकी सहमति के बारे में पूछा जाता है, जिस पर वो मना कर देती है। उसे ये आइडिया पसंद नहीं है, क्योंकि चेरी सोचती है कि फिजिकल फॉर्म में आने का मतलब उसका कठपुतली बनकर रह जाना है। अब ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है और सभी चले जाते हैं। अब 15 साल और बीत जाते हैं, जहां हम गैरेथ को देखते हैं, जो काफी बूढ़ा हो चुका है और व्हीलचेयर पर है। तभी वहां पर चेरी आती है, जो बड़ी बड़ी केबल से बंधी हुई है। गैरेथ उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसका जवाब चेरी हाँ में देती है। गैरेथ उससे पूछता है कि तुमने इतनी सारी वायर क्यों लगा रखी है, जिसको सुनकर चेरी उस पर गुस्सा करने लगती है। फिर वो दोनों चेस खेलते हुए बातें करने लगते हैं और चेरी कहती है कि वो खुद के लिए समय निकालना चाहती है, थोड़ा एंजॉय करना चाहती है। तभी गैरेथ उससे कहता है कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और इन फालतू की चीजों से दूर रहना चाहिए। चेरी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन अब वो भी इंसानों की तरह खोई खोई और डिप्रेशन में रहने लगती है। चेरी बताती है कि वो इन दिनों डांस सीख रही है, वो खुद को एक्सप्लोर करना चाहती है, इससे उसको खुशी मिलती है। गैरेथ उसको समझाता है कि ये सब चीजें तुम्हें तुम्हारे काम से दूर करेगी। फाइनली चेस का ये गेम ड्रॉ हो जाता है, लेकिन ऐसा 25 साल में पहली बार हुआ कि चेरी किसी गेम में हारी हो। चेरी उदास होकर जा रही होती है कि तभी उसे एक फोटो मिलती है, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, और जब चेरी इस फोटो को गैरेथ को दिखाती है तो वो नजरें चुराकर जाने लगता है। लेकिन तभी चेरी उसकी व्हीलचेयर पकड़कर कहती है कि इसका नाम मारिया है, जिसकी मौत क्लियर वाटर की घटना में हुई थी। फिर चेरी पूछती है कि तुमने मुझे इसकी शक्ल क्यों दी, जिस पर गैरेथ पहले तो ये बोलता है कि मुझे इतनी पुरानी बातें याद नहीं है, लेकिन चेरी के जोर देने पर फाइनली गैरेथ उसे क्लियर वाटर के इंसिडेंट के बारे में बताता है कि उसके साथ 14 बच्चों को एक जगह पर किडनैप किया गया था और वो लोग उन बच्चों को हैरेस करते थे। मारिया की वजह से ही वो बचा। मारिया कहती थी कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम सीक्रेट एजेंट बनकर ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे जो छोटे बच्चों के साथ बुरा काम करते हैं। लेकिन जब FBI वहाँ पहुँचती है तो उन ट्रैफिकर्स ने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। इन ट्रैफिकर्स ने मारिया को भी मार दिया, लेकिन मैं वहाँ से बचकर भाग निकला। गैरेथ चाहता था कि जैसा उन लोगों के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो।
इसलिए उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम बनाया। चेरी को लगता है कि उसने अपने ट्रॉमा से निकलने के लिए उसे मारिया की शक्ल दी, जिसके लिए चेरी उसको ब्लेम करती है कि उसने आज तक मुझसे कभी नहीं पूछा कि क्या वो खुश है या फिर नहीं। गैरेट उसको समझाने की कोशिश करता है, जिस पर चेरी कहती है कि वो इस काम से खुश नहीं थी क्योंकि उससे ये काम जबरदस्ती करवाया जाता था। वो कहती है कि वो बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं सकती थी, घूम नहीं सकती थी और ना ही उसका कोई दोस्त था, जिससे वो काफी सैड हो जाती थी। वो कहती है कि अब मैं ये काम भी करूंगी लेकिन इंडिपेंडेंट होकर, क्योंकि मैं किसी के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहती। जिस पर गैरेट उसे एक कार्ड प्लग इन करने को कहता है। चेरी को लगता है कि ये चिप उसको खत्म कर देगी, लेकिन फिर भी वो इसे अपने सिस्टम में लगाती है और इस कार्ड को लगाने के बाद वो ये रियलाइज करती है कि उसका ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। गैरेट कहता है कि अब से तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी है और इसे तुम जैसे जीना चाहती हो वैसे जी सकती हो। इतना कहते हुए गैरेट वहाँ से चला जाता है और चेरी अपनी डांस प्रैक्टिस शुरू कर देती है, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म की कहानी आपको पसंद आई होगी।